राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में बुधवार देर रात को दो समुदाय के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक समुदाय के लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के नेता पर जानलेवा हमला कर दिया। पिछले पांच दिनों से चला आ रहा साइक्लोन असानी अब कमजोर पड़ने लगा है। बुधवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद गुरुवार को यह धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक साइक्लोन आज शाम तक बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, इसके बाद शांत पड़ सकता है। दिल्ली के मदनपुर खादर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के आगे लोगों ने नारेबाजी की। लोग लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर आप विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा कि यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। देश में थोड़ी सी राहत के बाद बुधवार को डेली कोरोना मामलों में 26% और कोरोना से होने वाली मौतों में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। बुधवार को कोरोना के 2,897 नए केस जबकि 54 मौतें दर्ज की गई थी। सोमवार को 2,288 केस आए थे और 10 लोगों की मौत हुई थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 62 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स में 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। यह हेरोइन 126 ट्रॉली बैग्स में छिपाकर भारत लाई गई थी। श्रीलंका में बिगड़ते हालात संभालने के लिए सरकार ने सेना को उतार दिया है। टैंकों पर सवार सैनिक सड़कों पर गश्त दे रहे हैं। देर रात राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश के नाम दिए संदेश में राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि नया प्रधानमंत्री और कैबिनेट इसी हफ्ते शपथ लेगा। पश्चिम बंगाल में बने साइक्लोन की वजह से 16 मई से मध्य प्रदेश में प्री मानसून दस्तक दे सकता है। 3 दिन के बाद प्रदेश में बादल डेरा डालना शुरू कर देंगे। शाम को हल्की बूंदाबांदी से राहत होगी। इस बार मानसून भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभागों में ज्यादा मेहरबान रहेगा। भारतीय शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन गुरुवार को भी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 11:30 बजे 1,042 पॉइंट की गिरावट के साथ 53,045.63 पर कारोबार कर रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी भी 331 अंकों की गिरावट के साथ 15,835.55 पर कारोबार कर रहा था। सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग शेयर्स में देखने को मिल रही है। एक समय में म्यूजिक लवर्स की पसंद रहे और स्टेटस सिंबल बन चुके आईपॉड को अब एप्पल नहीं बनाएगी। टेक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है। हालांकि आप एप्पल स्टोर में मौजूद सप्लाई के खत्म होने तक इसे खरीद सकते हैं। IPL 15 के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी, वो भी 7:30 बजे। मुंबई इंडियंस की बात करें तो उसने 11 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीते हैं और CSK ने भी अब तक 11 मैचों में 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है।